आधुनिक युग में जो शिक्षक धारे तो विद्यार्थी ने कारकिर्दीनी शिखरे पहुंचाड़ी शके छे। दरेक विद्यार्थी ने अथाक शक्ति पड़ेली छे। आ शक्ति ने बहार केवी रीते काढ़ी शकाय तेनी पद्धति शिक्षक ने खबर होवी जोईए। शिक्षक एक हीरा घसनार कारीगर जेवो थवो जोईए। झारोला हाईस्कूलना शिक्षकों विद्यार्थी घड़तर माटे साचा अर्थमां हीराना कारीगर जेवा बन्या छे। जे परिवार में माता पिता अल्पशिक्षित होय ते परिवारना दीकराने पोतानी कारकिर्दी घड़वा अंगे पूरतो ख्याल होतो नथी अने आथी तेनुं भविष्य अंधकारमय बने छे। त्यारे झारोलाना शिक्षकोए विद्यार्थीओना हितार्थे 1.5 वर्ष की अथाग मेहनत थकी अलग अलग विषय पकड़ी तेनी संपूर्ण माहिती एकठी करी अने पछी जे विद्यार्थियों ने जेमां रस होय तेनी माहिती आपी तेमने तैयार कर्या अने कारकिर्दी मार्गदर्शन मेळामां अन्य विद्यार्थियों शिक्षकों नगरजनों ने माहिती आपी। कारकिर्दी मार्गदर्शन अंगेनी पुस्तिका पण तैयार करी जेनुं विमोचन तथा मेळानुं उद्घाटन गुजरात विधानसभाना नायब दंडक श्री रमणभाई सोलंकीए कर्युं हतुं। आ प्रसंगे पेटलाद तालुकाना धारासभ्य श्री कमलेशभाई, बोरसद तालुका पंचायत प्रमुख श्री धरमदेवसिंहभाई, जिल्ला रोजगार अधिकारी श्री सीबी चौधरी अने सभा प्रमुख तरीके वडीलोना बेली एवी सांज संस्थामांथी शेहुलभाई उपस्थित रह्या हता। रमणभाई तथा कमलेशभाईए शाळाना शिक्षकोने विद्यार्थीओनी मेहनत, शाळाने विद्यार्थी उपयोगी प्रवृत्ति तथा मंडळनी भूमिकाने बिरदावी हती। रोजगार अने अधिकारीए जणाव्युं हतुं कि झारोलानी जेम दरेक शाळामां आवी प्रवृत्ति थाय तो गुजरात समग्र देशमां प्रथम स्थान प्राप्त करे। आ तबक्के जिल्लाना कैरियर कॉर्नर शिक्षकोनी पण मीटिंग थई हती। शाळाना आचार्य श्री नवीनभाई पटेले शिक्षकोना विद्यार्थीओ माटे थता कार्यनो चितार आप्यो हतो। प्रसंगे शाळाना प्राथमिक विभागना शिक्षिका सेजलबेन पटेल तथा माध्यमिक विभागना कृतिकाबेन पटेलनुं डिसेम्बर मासमां उत्कृष्ट कार्य बदल स्टार एवोर्ड आपी सन्मानित कराया हता। कार्यक्रमनું સંચાલન ધોરણ 10ની બાળા દીપાલી અને ગૌરીએ શિક્ષિકા કેએન પટેલ અને કન્વીનર શ્રી આઈએમ રાવલજીના માર્ગદર્શન હેઠળ કર્યું હતું। સભા પ્રમુખ શ્રી સેહુલભાઈએ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે વ્યક્તિત્વ વિકાસ અને અંગ્રેજીના વર્ગો માટે સાંજ તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ આપવાની વાત કરી હતી। કેળવણી મંડળ ઝારોલા અને આચાર્યશ્રીએ સર્વે મહેમાનો, વિવિધ શાળાના આચાર્યો, શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો।